أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه। आज जी हमारी क्लास नंबर 7 है और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करने के हमने बहुत सारे मेथड्स को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि हम टेक्स्ट के ज़रिए किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं, फिर टेबल बनी बनाई को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट में, फिर हम उस टेबल के ऊपर जो हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं उस टेबल का स्टाइल किस तरह चूज़ करते हैं, फिर उसके अंदर बुलेट कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडिफाई टेबल, कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा अगर आपने टेबल क्रिएट कर ली तो आप किसी भी वक्त किसी भी लम्हे जब आप चाहें आप अपनी टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं, उसके अंदर नई टेबल बना सकते हैं, किसी भी टेबल के जो सेल होते हैं उनमें आप उसकी प्रॉपर्टी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसी तरह उसके हेडर फुटर को भी ठीक कर सकते हैं, किसी भी दो या तीन या चार सेल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, फिर अगर एक ही सेल है तो उसको आप दो रोज में या दो सेल्स में किस तरह सिप्लेट कर सकते हैं, इसको कहते हैं जी मॉडिफाई टेबल्स। और इस मॉडिफाई टेबल में हमारे पास सबसे जो पहला टॉपिक है आज का वो है रिसाइज द टेबल। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आप जो टेबल क्रिएट कर लेते हैं उसको आप रिसाइज किस तरह कर सकते हैं। चलें जी आज इसको चेक करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक सैंपल फाइल है, मैंने बना के रखी है सैंपल फाइल, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि हम किस तरह रिसाइज कर सकते हैं। देखें जी, रिसाइज करने के कई तरीके हैं, किसी भी टेबल को साइज देने के या रिसाइज करने में के कई तरीके हैं। सबसे पहले हम माउस का मेथड यूज़ करेंगे कि आप अपने माउस से किस तरह टेबल को रिसाइज करते हैं। अब अगर आप देखें कि आपकी जो टेबल है उस टेबल के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में बॉटम में आपको एक छोटी सी स्क्वायर नज़र आती है, अगर आप उस पर जाके माउस अपना लेकर जाएं तो अब देखें कि उसका हैंडल बन गया है। अब आप इस हैंडल को जिस तरह क्लिक करने के बाद आप ड्रैग करें, इस तरह आप जिस तरह भी ड्रैग करेंगे ना, ये देखें ये ड्रैग हो रहा है, रिसाइज हो रहा है, यानी कि टेबल आपकी रिसाइज हो रही है, उसके साइज़ में फ़र्क आ रहा है। अब आप जिस तरह मर्जी है इसको जो है ना, जहाँ पर भी आपको ये मुनासिब लगे कि यहाँ पर रिसाइज ठीक है, इसको साइज लगाना ठीक रहेगा, तो आप वहीं पे जाके अपने माउस को ड्रैग करना छोड़ दें और बटन को प्रेस ना करें, बटन रिलीज़ कर दें। तो ये देखें, ये टेबल थी जो पहले इसका जो शेप थी वो ये थी, मगर इसको मैं हैंडल माउस के ज़रिए इसको रिसाइज भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ भी है वो मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये थी कि अगर आपके पास एक टेबल है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये एस्पेक्ट रेशो में होगा, अब ये एक साइड में नहीं जाएगा, अब ये एस्पेक्ट रेशो में होगा। एस्पेक्ट रेशो का मतलब ये है कि ये जो आपकी टेबल है जिसको आप शिफ्ट के ज़रिए रिसाइज कर रहे हैं, ये चारों कोनों से ऐसा समझ लें रेस्पेक्ट रेशो में जो है ना तब्दील होगी। ये देखें, अब ये इस तरह नहीं हो रही कि मैं इधर रह के जाऊँ तो वो उस तरह, यानी कि इनके चारों सेल्स या चारों कोने एक जैसे जो है ना बिल्कुल सेम साइज़ में, बिल्कुल सेम साइज़ में इसके कॉलम भी रोज में जो है ना रिसाइज होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं शिफ्ट को रिलीज़ कर देता हूँ, अब अगर मैं करता हूँ तो ये देखें, आप जिस तरह चाहें छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, कोई कॉलम छोटा आ रहा है, कोई बड़ा आ रहा है, कोई रोज़ बड़ी आ रही है तो कोई छोटी आ रही है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ, अगर मैं इसी टेबल पे कहीं भी क्लिक करूँ, किसी भी सेल में, यानी कि मैं 8 नंबर सेल में क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देखें यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये लेआउट वाला जो टैब है वो ख़त्म हो जाएगा।
अगर मैं टेबल के अंदर जाके कहीं भी क्लिक करूंगा तो लेआउट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है या शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं अगर लेआउट टैब में जाके क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होती हैं जो कि सारी की सारी हमारे कॉलम या हमारे टेबल के मुतालिक होती हैं। इसमें एक ऑप्शन है प्रॉपर्टी का ऑप्शन, टेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इसको क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल की मॉडिफिकेशन के कई और तरीके भी शो होंगे। देखें जी, पहला टेबल का है, फिर रो का है, फिर कॉलम का है, फिर सेल का और फिर ऑल टेक्स्ट का। अगर मैं टेबल पे ही रहूँ, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। टेबल में देखें, आपको एक तो साइज़ नज़र आ रहा है, दूसरा आपको अलाइनमेंट नज़र आ रही है, तीसरा आपको टेक्स्ट रैपिंग नज़र आ रही है। अभी मैं इसको जस्ट अलाइनमेंट पे इसको शो कराता हूँ। अब अगर अलाइनमेंट है तो यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे राइट है। अगर मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, आप देखेंगे आपका जो कॉलम है वो बिल्कुल आपके पेज के सेंटर में आ गया है। क्लियर होगी बात। अब फिर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, लेआउट में आता हूँ, प्रॉपर्टी में फिर आता हूँ, और अगर अब मैं राइट अलाइनमेंट करता हूँ इसकी, जैसे ही मैं राइट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा, आप देखेंगे आपका वही कॉलम क्या है, आपकी राइट साइड पे आ गया। तो इस तरह आप इसको अलाइनमेंट भी इसकी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर मैं इसके बाहर क्लिक करूँ तो देखें वो लेआउट का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँ किसी भी सेल पे, या इसको यहाँ से सेलेक्ट के ऑप्शन में जाऊँ, तो यहाँ लेआउट का ऑप्शन शो हो जाता है, टैब शो हो जाता है। इसमें एक और चीज़ भी है, वो है जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम। यहाँ पर अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँ, ये देखें, हर कॉलम का साइज़ भी अलग है इसमें। ये देखें, मैं अगर साइज़ को इस तरह कर दूँ, ये देखें जी, इस तरह कर दूँ, इस कॉलम का साइज़ या ये वाला कॉलम, इसका साइज़ अलग है, इसका अलग है, इसका भी अलग है और इसका भी अलग है, और ये जो रोज़ हैं इनका साइज़ भी अलग है, इनका साइज़ भी अलग है। अगर मैं इस कॉलम के किसी भी सेल में जाके क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद लेआउट टैब को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूट रोज़ और एक है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अगर मैं जस्ट रोज़ पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी रोज़ हैं, कतारें हैं, आप देखें उन सब का सेम साइज़ लग गया है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब कॉलम देखें, इसका कॉलम का साइज़ अलग है जी, इस कॉलम का साइज़ अलग है, इसका अलग है, चारों के अलग हैं। अगर मैं किसी भी जगह पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करूं, तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे अब आपकी रो के साथ आपके कॉलम का भी सेम साइज़ है। इसका मतलब है कि आप और भी तरीके हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट जो हमारा इसका इंटरमीडिएट कोर्स का स्टार्ट होगा तो उसमें और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक बस ये समझ लें कि आप अपने टेबल को रिसाइज भी कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट रोज भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम भी कर सकते हैं, और दूसरा एक ऑटोफिट का ऑप्शन भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें जी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑटोफिट का ऑप्शन है यहाँ पर, और इसमें कंटेंट है, विंडो है, ये चीज़ें भी हैं। क्लिक करें तो ये देखें ऑटोफिट हो गया, जो उसको मुनासिब लगा है, उसके टेक्स्ट के कंटेक्ट के लिहाज से, उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उस लिहाज से ऑटो फिट हो गया है ये कॉलम, चाहे हमने जितना भी इसको रिसाइज कर लिया। अगर मैं ऑटो फिट में जाके विंडो पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखें, विंडो से मुराद है आपका जो पेज है, उस पेज पे इसको इसने ऑटो फिट पे लगा दिया कि अब ये इस तरह फिट आएगा विंडो में, विंडो में इस तरह फिट आएगा, कंटेंट में जो इसके अंदर मवाद लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए हैं या न्यूमेरिक कीज़ लिखी हुई हैं, वो इस तरह फिट होता है। अगर आप इसको फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखते हैं, यानी कि इसके जो कॉलम है उसकी विड्थ फिक्स्ड रखते हैं, तो वो उसी में यानी शो होगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रिपीटिंग रोज हेडर्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाज़ों का जब लोग एक ऐसा डाटा क्रिएट करते हैं जिसमें वो सबसे पहले वो लिखते हैं जी ये सीरियल नंबर है, फिर नेम है, फिर फादर नेम है, फिर उसका जो है ना सेल नंबर है, और नीचे वो एक पूरी लिस्ट क्रिएट करते हैं, और लिस्ट क्रिएट करते एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो दूसरे पेज पे चले जाते हैं, फिर तीसरे पेज पे चले जाते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये आती है, ये देखें जी, मेरे पास ये एक इन्वेंट्री इस तरह समझने की एक शीट है,
उसके शुरू में लेके देखें, यहाँ पे आपको ये चार या पांच चीज़ें नज़र आ रही हैं, बाकी सारे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर मैं इनको यहाँ पे देखें बढ़ाता जाऊँ, ये देखें जी यहाँ पे बढ़ाता जाऊँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा ये दूसरे पेज पे चले जाएंगी। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं ये वाला हिस्सा कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद ये सारे सेल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने पेस्ट किया, वो सारी चीज़ें आ गई हैं, मगर पहले पेज पे आपको हेडर लगा हुआ नज़र आ रहा है, सीरियल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सेल नंबर। मगर जैसे ही आप दूसरे पेज पे जाएंगे, आप देखेंगे 11 रोज़ के बाद 12वीं रोज़ जो शुरू हुई है उसमें वो वाला डाटा नहीं है। मगर मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ऑटोमेटिकली इस पेज पे भी वो हेडर लग रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सीरियल नंबर है और ये नेम की लिस्ट है और ये फादर नेम की जो है ना कॉलम है। मैं इसमें अगर ये करना चाहूँ तो मैं अपने पहली रो को जिसमें सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सेल नंबर है, इसमें किसी भी सेल में जाके इसको क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर लेआउट स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और इसमें देखें तो आपको एक बटन नज़र आता है यहाँ पर, इसको कहते हैं जी रिपीट हेडर रोज़। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखें कि आपका जो दूसरा पेज है उस पर भी वो सीरियल शुरू हो गया। अब जिस तरह आप पेज बनाते जाएंगे, आपके हर पेज के स्टार्ट में जो पहली रो होगी उसमें वो हेडर शामिल होगा जो आपने शुरू में कॉलम में लगाया था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो फिर आप क्या करें, किसी भी जगह पर पहले रो में जाके किसी भी कॉलम पर क्लिक करें और यहाँ से इसको ऑफ कर दें। इसको ऑफ करना चाहें ऑफ भी कर सकते हैं, इसको लगाना चाहें तो भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर मैं इस पर फिर क्लिक करता हूं तो ये ऑफ हो जाएगा और आप देखें वो यहां से गायब हो चुका है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जी हमारा टॉपिक है वो है मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स। मर्ज कहते हैं मिलाना और स्प्लिट कहते हैं जुदा करना, दोनों में समझा देता हूं। अभी मैं सेल की बात कर रहा हूं, टेबल की बात नहीं कर रहा, सेल। ये आपके पास देखें यहाँ पे, अगर देखें मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ, जिस तरह अगर आप इसकी शेप देखें तो बिल्कुल आपको वैसे नज़र आएगी जैसे आपकी लैपटॉप का जो की पैड होता है उसमें जो आपकी नुमेरिक कीज होती हैं जिसे आप कैलकुलेटर के की कहते हैं, वो वाली बिल्कुल सेम इसी तरह होती हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसके कॉलम का साइज़ भी थोड़ा बराबर कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखें जी। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसका साइज इस तरह कर देता हूँ, ये देखें जी। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह और यहाँ से भी मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ये बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। अब मैं बाहर क्लिक करूँगा तो लेआउट वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, अगर मैं इसके अंदर किसी भी रो पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आपको लेआउट का ऑप्शन मिलता है। अब देखें अगर मैं ये ज़ीरो और यहाँ पर कॉलम में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई इस सेल में, अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ इस तरह ड्रैग करके, ये देखें दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। मैं चाहता हूँ ये एक ही सेल लगे, यानी कि दो सेल थे अब एक हो जाए, तो मैं क्या करूँगा इसको मर्ज करूँगा। अच्छा जी, कैसे मर्ज करूँगा? मर्ज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लेआउट टैब में जाएं, लेआउट टैब में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें दो सेल थे अब एक बन गए। यहाँ पे भी मैं इसको चेक कर देता हूँ, ये देखें जी यहाँ पे भी इसको मैं क्या करता हूँ, दूसरा तरीका यूज़ कर देते हैं पहले वाला। अच्छा जी, मर्ज सेल करता हूँ तो ये वाला भी मर्ज हो गया। अब अगर मैं दूसरा तरीका भी यूज़ कर लेता हूँ, अगर आप इनको सेल को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जब आप सेलेक्ट कर लें तो फिर आप माउस पर राइट क्लिक करें तो आप देखें एक टेबल शो होगी, उसमें कुछ चीज़ें हैं, कट कॉपी पेस्ट, फिर पेस्ट के ऑप्शन हैं, फिर है जी मर्ज सेल। जैसे ही आप इस मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपका सेल मर्ज हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, इसके बाद आता है किसी भी सेल को स्प्लिट करना, किसी भी सेल को स्प्लिट करना यानी कि उसके दूसरे बनाना, मैं वो भी बता देता हूँ। अब अगर इस पे क्लिक करें, किसी भी इसमें क्लिक करें, इसमें क्लिक करें, किसी को भी क्लिक करें तो यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्प्लिट टेबल्स। टेबल्स का भी बता देता हूँ, सेल का भी बता दो। क्लिक करेंगे तो ये देखें वो स्प्लिट हो गई है, मगर आपको अभी ये क्लियर समझ नहीं आएगी, मैं फिर और तरीका एक बताता हूँ। टेबल स्प्लिट हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल को एक और तरीके से स्प्लिट करता हूँ, ये देखें जी
ये है मेरे 10 नंबर, ये 10वीं रो है, रो 10th। मैं चाहता हूँ कि 11वीं रो के बाद एक अलग नया कॉलम बने, यानी कि ये तो एक ही कॉलम है, ये तो एक ही कॉलम है। मैं चाहता हूँ कि 10 रोज के बाद जो 11वीं रोज है उसका कॉलम ही अलग हो। तो मैं क्या करूँगा, 10वीं पे जाके लास्ट में क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद लेआउट टैब में आऊँगा और यहाँ से कर दूँगा स्प्लिट टेबल। जैसे ही मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूँगा, आप देखें कि आपकी जो टेबल है वो क्या है, जुदा हो गई है दूसरी से। जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वही होगा। मैं क्योंकि 10वीं से स्टार्ट की तो 10वीं वाली चली जाए। अगर आप 11वीं पे करेंगे, 11वीं पे रख के फिर लेआउट में जाएंगे और यहाँ से स्प्लिट टेबल करेंगे, तो आपकी 11वीं रोज जो है ना नए टेबल में बन जाएगी। क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी, उसके बाद मैं और तरीका भी देख लेता हूँ इसमें अगर कोई है तो। क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेल की ही बात है, स्प्लिट सेल्स हो रहे हैं, आप सेल्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, या इसी को ही स्प्लिट करता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें स्प्लिट सेल का ऑप्शन है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो लास्ट सेल है, लास्ट वाला सेल, इसमें आप कितने और कॉलम बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा जी, जस्ट इस पर अगर मैं 5 लिखता हूँ और नंबर ऑफ रोज यही रहेगी और ओके करता हूँ, तो देखें उसके आगे भी 5 कॉलम और बन गए हैं, यानी कि 5 कॉलम में ये चेंज हो गया। इसको कहते हैं जी स्प्लिट सेल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी सेल मार्जिन एंड स्पेसिंग। बाद का जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में, डिजाइनिंग भी यहाँ पे होती है, तो हम अपने सेल को डिजाइन करते हैं। मैं आपको वही वाली टेबल बताता हूँ, ये वाली, ये देखें जी, इसको मैं किसी भी जगह सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद लेआउट वाले टेबल में आता हूँ और यहाँ पे देखें आपको सेल मार्जिन का ऑप्शन मिलता है। अब सेल मार्जिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक नया टेबल ऑप्शन मिलता है मुझे। अभी यहाँ देखें टॉप इसका 0 इंच पे है, लेफ्ट इसका 0.8 इंच पे है, और बॉटम 0 इंच पे है, और राइट जो है ना इसको मैं सेम क्या करता हूँ, 0.0 कर देता हूँ, सबको 0.0 कर देता हूँ। ये भी 0 हो गया जी। और यहाँ पे देखें एक चीज़ लिखी हुई है डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग, और यहाँ पे अलाउ स्पेसिंग है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो ये वाला ऑप्शन शो होता है कि आप कितने पॉइंट इंच की इसके इर्द गिर्द बाउंड्री लगाना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, या इसके सेल को मार्जिन लगाना चाहते हैं, मार्जिन। अच्छा, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो हिस्सा होता है किसी भी पेज का या किसी भी टेबल का जो टेबल के अलावा खाली हिस्सा और उसमें कुछ आप लिख ना सकें, लिखेंगे आप सेल में ही। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को आप जहन में रखें जो आपको शो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक साइज लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक साइज लगे 1 इंच का। तो जैसे ही मैं इस पर ओके करूँगा, आप देखें उसके अंदर एक अलग सा एक मार्जिन लग गया है। अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसको थोड़ा मजीद आपको छोटा करके दिखाता हूँ। सेल मार्जिन करता हूँ और यहाँ पे स्पेसिंग ओके करता हूँ, यहाँ पे 0.0, और यहाँ पे मैं करता हूँ 0.05, और इसको करता हूँ ओके। अब देखें कि आपका जो टेबल है उसके इर्द गिर्द एक मार्जिन लग गया है। अब ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है जो हमने पहले के बताया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल जी करता हूँ तो ये देखें, ये इस कॉलम को भी देख लें, इस टेबल को भी देख लें, और अगर कंट्रोल वाई करता हूँ जो मैंने अभी किया है इसके ऊपर सेल मार्जिन वाला ऑप्शन, तो आप भी इसको चेक कर लें कि ये किस तरह है। यकीनन आपको ये बात भी अभी समझ आ गई होगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी स्प्लिट टेबल, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। फिर बता देता हूँ जी ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 15वीं रोज़ है ये यहाँ से इस कॉलम से अलग हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा लास्ट में, या किसी भी जगह पे क्लिक करें और यहाँ से क्या करें, आप इसको स्प्लिट टेबल कर दें। जैसे ही आप स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो रो है जिस पे आपने कर्सर अपना ठहराया था, वहाँ से आपकी पूरी टेबल ब्रेक हो गई है, स्प्लिट हो गई है, अलग हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब आप एक ही टेबल को कई और हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। यहाँ से फिर करना चाहता हूँ,
लेआउट में जाऊंगा, यहाँ पे स्प्लिट टेबल करूंगा, ये वाली टेबल अलग हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आता हूँ, ये वाली टेबल अलग करना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा जी यहाँ से, इसको स्प्लिट करूंगा, ये वाली टेबल भी अलग हो। आप इस तरह अलग अलग टेबल को स्प्लिट करके उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं जो एक ही किस्म की हों। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, उसके बाद